बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज हम जीनोमिक यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जिसके जीन्स से लिंक है, मतलब एक है जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी। सही। सो लाइब्रेरी वैसे किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी जहाँ पे आपको मतलब कुछ मटेरियल मिले, मटेरियल फॉर स्टडी, ठीक है, कि आपको कुछ मटेरियल जहाँ से ख़ास तौर पर पढ़ने के लिए जहाँ से मटेरियल मिले स्टडी के लिए, वो उसे आप लाइब्रेरी कहते हैं। सही। सो यहाँ पे क्या कौन सा मटेरियल मिलेगा हमें पढ़ने के लिए? ज़ाहिर बात है जीन से रिलेटेड, यानी डीएनए का मटेरियल, डीएनए। सो अगर डीएनए का मटेरियल हमें पढ़ने के लिए किसी जगह से मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी। अच्छा, जीनोमिक लाइब्रेरी समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए जीनोम का। सही। व्हाट इज़ जीनोम? जीनोम इज़ बेसिकली इट्स अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कह लें, ठीक है, या फुल सेट ऑफ डीएनए कह लें, या फुल सेट ऑफ जीन्स, फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी किसी भी इंडिविजुअल के जो जीन्स का फुल सेट है उसे हम उसका जीनोम, यानी कलेक्टिव जीन्स, या कह लें ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज नाउन एज जीनोम, ठीक है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी किस को जीनोम से किस तरह लिंक करेंगे? बेसिकली क्या होता है कि हम बैक्टीरियाज लेते हैं, ठीक है, यानी वी टेक वैक्टर्स, बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं वैक्टर्स, और वैक्टर्स के अंदर हम डी एन ए अपना कह लेंगे डी एन ए ऑफ इंडिविजुअल, सही, इंसर्ट करवाते हैं बाय स्लाइसिंग, ठीक है, यानी डीएनए की हम क्या करते हैं बीच में स्लाइसिंग करते हैं, डीएनए को जो इंडिविजुअल का डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स हैं, उसे हम तोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद से वेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, ठीक है, और ये वैक्टर्स जो है फिर बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी बनता है, क्योंकि उसके अंदर आपके इंडिविजुअल के जीन्स मौजूद होंगे जो उसके अंदर, यानी वैक्टर्स बेसिकली यहाँ पर क्या होंगे, एक किस्म के ये ट्रांसजेनिक होंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक वेक्टर्स बन जाएंगे ना जब आप इसके अंदर ट्रांसजेनिक, जब यानी इसके अंदर आप फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक हो गए, ठीक है, और ट्रांसजेनिक वेक्टर्स हैं जिसके अंदर दूसरे आदमी का, मसलन ह्यूमंस का फॉर एग्जांपल आपने क्रोमोसोम्स तोड़ के इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, वेक्टर्स के अंदर, वो फिर एक क्या बन जाएगी, जीनोमिक लाइब्रेरी, सही है, और जीनोमिक लाइब्रेरी को आप अगर अरेंज करोगे, ठीक है, अरेंज एंड स्टडी, ठीक है, जब हम इसे आप इस जीनोमिक लाइब्रेरी को अरेंज और स्टडी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीनोम, ठीक है, बेसिकली इस डीएनए जो जीनोम था वो क्या था, डीएनए ऑफ इंडिविजुअल या सेट ऑफ जीन्स कह लें, डीएनए ऑफ इंडिविजुअल से क्या बनाते हैं, सेट ऑफ जीन्स, जिसकी आपने स्लाइसिंग करवाई, वेक्टर्स में डाला और उसे आपने एक बोतल के अंदर रख दिया, ठीक है जी, वो बोतल क्या कहलाएगी, जीनोमिक लाइब्रेरी, फिर उस जीनोमिक लाइब्रेरी को आप दोबारा अरेंज करते हो, दोबारा स्टडी करते हो, तो वो जीनोम बन जाता है। चलिए हम इसकी एक पिक्चर की डायग्राम में आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन डीएनए आपके सामने फिगर में नज़र आ रहा है, ठीक है, और फिर हमने इसका क्या किया कि इसकी हमने क्लीविज करवाई, क्लीविज से मतलब स्लाइसिंग, यानी तोड़ दिया हमने, ठीक है, तोड़ने के लिए क्या यूज़ होंगे बोला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसे हमने कहा था, सही है, फिर उसे हमने किसके अंदर डाल दिया, डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड यूजिंग लाइगेजेस, ठीक है, यहाँ पे कौन से एंजाइम यूज हो रहा है, लाइगेजेस, तो अब ये जो सा मालिक्यूल होगा ये रिकम्बिनेंट डीएनए मालिक्यूल होगा या फिर ट्रांसजेनिक डीएनए मालिक्यूल होगा, क्योंकि इसके पास फॉरेन डीएनए, फिर दोबारा हमने ये मालिक्यूल इंसर्ट करवा दिए किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया का जो होल सेट है या बीकर आप कह लें किस्म का जो बनेगा जिसके अंदर सब इंक्लूड होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी, नहीं जीनोमिक लाइब्रेरी, इसके अंदर ह्यूमन डीएनए, ठीक है, यानी ये जीनोम था और ये जीनोमिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। सो इस तरह हम डीएनए, यानी जब हमने जीनोम स्टडी करना होता है पहले हम उसकी लाइब्रेरी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके एक एक जीन्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। सो अगर कोई पूछता है आपसे व्हाई जीनोमिक लाइब्रेरी, सही,
कि आप डायरेक्ट जीनोम क्यों नहीं स्टडी करते, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालता है जी, व्हाई यू डोंट स्टडी ओनली जीनोम, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने का क्या फ़ायदा है? तो बेसिकली जब हमने जीनोम का एक्सप्रेशन चेक करना होता, नहीं, इफ़ वी वांट टू स्टडी एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल कह लें, ऑफ पार्टिकुलर स्पीशी, ठीक है जी, स्पीशी के आपने एक्सप्रेशन ऑफ जीन देखने, तो आप उसे क्या करोगे, उसके जीनोमिक लाइब्रेरी में डालोगे. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने जीन्स तोड़े, तोड़ने के बाद आपने बैक्टीरिया में डाले, बैक्टीरिया उसी जीन्स की अब प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, अब मतलब ये प्रोटीन P1 बनाएगा, ये प्रोटीन P2 बनाएगा, ठीक है, जिस तरह जीन G1 G2 होगा उसके हिसाब से ये प्रोटीन P3 बनाएगा, ठीक है, ये P4, इस तरह ये प्रोटीन P5 बनाएगा, सही. सो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी, वो हमें किस चीज़ का आइडिया देंगे, उसके जीनोम का या उसके जीन्स का आइडिया देगी, ये वाला जीन्स कौन सा, ये वाले प्रोटीन बना रहा है, सही. तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा जीनोम स्टडी करने का, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ कोड या कह लेंगे DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका सीक्वेंस निकालना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है. बेसिकली आपने देखना होता है कि यार जीन्स कौन सा काम का है, ये कौन सा जीन्स कौन सी प्रोटीन बना रहा है, ठीक है. सो आप पहले क्या करते हो, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हो, फिर जीनोमिक लाइब्रेरी में आप बारी बारी स्टडी करते हो कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन बना रहा है, उसके बाद आप देखते हो, फिर आपके पास जीनोम आता है, मसलन ये आप ह्यूमन जीनोम है, इट इज ह्यूमन जीनोम, फिर आप उन मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें आप लेबल कर देते हो, यार ये जो सा था ये बना रहा था, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस बनाने में काम आ रहा था, ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस नहीं, पेप्सिनोजिन बना रहा था, HCL बना रहा था, सही, ये जो सा था ये इंसुलिन बना रहा है फॉर एग्जांपल, हालांकि इंसुलिन का जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है, इसके अंदर इंसुलिन का जीन होता है, ठीक है, और इस तरह अगर आप देखें एक्स के अंदर हम बहुत सी डिजीज पढ़ेंगे, मसलन हीमोफीलिया इसकी वजह से हो रहा था, सही, हीमोफीलिया जो डिजीज थी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम की वजह से होता था. सो खैर इस तरह आपको बेसिकली आइडिया होता रहता है कि यार कौन सा क्रोमोसोम कौन सी प्रोटीन बना रहा है, यानी अगर आप डायरेक्ट सीक्वेंसिंग कर लें, मतलब अगर आप डायरेक्ट DNA का स्ट्रक्चर फाइंड कर लें, उससे आपको कोई मेरी नॉलेज नहीं मिलेगा, बेसिकली आपको पीछे जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी जहाँ से आपको उन जीन्स के एक्सप्रेशन मिलेंगे, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, फिर उन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे आप बताएंगे यार फलां क्रोमोसोम फलां किस्म की प्रोटीन बना रहा है, ठीक. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक और मसला ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने जीनोमिक लाइब्रेरी बना ली, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सर्च करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट सर्च करना, अब तो ये तो नहीं है कि आप उंगली डाल के कोई चीज़ निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इवन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको यानी माइक्रोस्कोप में आपको आइडिया होगा कि यार वहाँ पे आप देख सकोगे उसे, ठीक है, डायरेक्ट आप उसका आपका और उनका इंटरफेस नहीं होता, ठीक. सो आप क्या करोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना उसमें से, उसके लिए फिर एक स्पेशल चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं प्रोब, ठीक है, प्रोब बेसिकली कह लें कि एक प्रोब के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ, प्रोब इज अ इंडिकेटर, ठीक है, और इसका आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है, आजकल की कह लेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, मसलन एक सर्विस इंडिकेटर है तो हम सर्विस प्रोब कहेंगे, ठीक है, एक लोकेशन इंडिकेटर है तो उसे हम लोकेशन प्रोब या लोकेटर कहते हैं, सही है. दूसरा कुछ प्रोब होते हैं वो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज के अंदर, उसे हम सर्विस प्रोब कहते हैं, ठीक है. खैर हम इसकी ज़्यादा प्रोब की डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रोब की मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ, मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक डॉग है, ठीक है, कुत्ता है, ठीक है, उसके गले में आप पट्टा बांध देते हैं, सही, वो पट्टा आपके अपने पसंद का होता है, या आप जानते हैं उसका रंग कौन सा है, ठीक है, तो अगर वो कहीं पर गुम हो जाएगा तो आप उसके उस पट्टे से पहचान लेंगे, तो वो पट्टा उसके लिए बेसिकली क्या होगा, एक प्रोब होगा, ठीक है, सिंपल सी एग्जाम्पल. सो अगर हम थोड़ा सा इसे मॉलिक्यूलर प्रोब के ऊपर लेके आएँ, ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर और लोकेटर प्रोब, ठीक है जी, हमने लोकेशन भी मालूम करनी है, और लोकेशन किसकी मालूम करनी है, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा यानी वी विल सिंथेसाइज या सिंथेटिक कह लें, सिंथेटिक मॉलिक्यूल विद, ठीक है, कौन सा होगा प्रोब, विथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस,
कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने जो जिस जीन को आपने फाइंड करना है ना, भी मैं इसको समझाता हूँ बेसिकली, जिस जीन को आपने फाइंड करने जाना है, फॉर एग्जांपल ये टारगेट डीएनए जिसे आपने फाइंड करना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, इसके ऊपर आपने फाइंड करना है। सो फाइंड करने के लिए क्या है कि आपने एक ऐसा सिंथेटिक मॉलिक्यूल बनाना है, यानी डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे पता, अगर आपने डीएनए मालूम की लोकेशन मालूम करनी, तो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा जिसका सीक्वेंस हो सकता कंप्लीमेंट्री होगा। मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको एक कंप्लीमेंट्री के मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, जो मतलब ए सी के अगेंस्ट जी टी जी टी जी टी हो, ठीक है, फिर वो उसके साथ जाके बाइंड कर देगा। मतलब आपके पास एक बोतल है, बोतल के अंदर आपके जीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या जीनोमिक लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, कंप्लीमेंट्री मॉलिक्यूल बना के सिंथेटिकली यानी सिंथेसिस करोगे उसके, बनाओगे आप, बनाने के बाद उससे उस बोतल में डाल दोगे, ठीक है। लेकिन डालने से पहले आप क्या करोगे, वो जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल है उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल एक और अटैच करोगे जो रेडियो एक्टिव हो, ठीक है, रेडियो एक्टिव हो या फिर फ्लोरिसेंट हो, मतलब या तो उसमें से रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकें हम, या फिर वो चमक दे, चमक से मुराद नहीं उसमें से रोशनी निकले, ठीक है, कलर आए उसके अंदर, सही होगा क्या, जब वो जाके बाइंड करेगा ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा यार कि इस जगह पे वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, सही। जिस तरह आपका अगर कुत्ता भीड़ में घूम गया तो आप किस तरह पहचानोगे, बेसिकली उसके जो गले में पट्टा होगा, पट्टे इस तरह, ये बेसिकली आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके लोकेशन बताएगा कि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो इस तरह आप उस प्रोब के ज़रिए उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट की फिर आप क्या करोगे, क्लोनिंग करोगे, क्लोनिंग से बना देनी उसकी आप कापीज़ बनाओगे, ठीक है। और कापीज़ के लिए बेसिकली हम एक कहने की टेक्निक यूज़ करते हैं, इट इज़ नाउन एज पीसीआर, ठीक है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इस लेक्चर में हमने क्या बेसिकली स्टडी कर लिया, हमने सबसे पहले जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में बात की और वो किस तरह लिंक होता है जीनोम के साथ, ठीक है, और जीनोमिक लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है बनाना, क्योंकि हमने जीनोम का एक्सप्रेशन लेना है, ठीक। और फिर उसके बाद हमने जीनोम की बात की कि जीनोम जब हमारे पास आ जाएगा फिर हम उसे बता देंगे कि यार ये जीन्स फलां प्रोटीन बना रहा है या फलां जीन की वजह से फलां बीमारी हो रही है। फिर हमने प्रोब की बात की जो कि एक इंडिकेटर होता है, कभी ये लोकेशन बता रहा होता है, कभी सर्विसेज के अंदर से हम इस्तेमाल करते हैं जनरल टर्म के अंदर, लेकिन जो हमारा प्रोब है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर प्रोब है या मॉलिक्यूलर लोकेटर प्रोब है कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसके लिए हमने उसकी लेबलिंग की, रेडियो लेबलिंग की या फिर फ्लोरेसेंस लेबलिंग की, और उस कम्प्लीमेंट्री स्टैंड के सबसे जोड़ दिया, और उसे बाद में हम सॉल्यूशन में डाल देंगे, वो जाके अपना हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। उसकी जो फ्लोरेसेंस है या फिर रेडियो एक्टिविटी वो इस चीज़ को बताएगी कि इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, ठीक है। फिर उसकी हम कॉपीज़ कर लेते हैं पीसीआर, पीसीआर के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।